ये वरिष्ठ सेवा नागरिक सेवा समिति का उद्देश्य रहा है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा उन तमाम शिक्षक वृंदों से कि वे पधारेंगे, उनका सम्मान अभिनंदन होगा और सम्मान अभिनंदन के साथ ही आप सभी का वंदन भी होगा। आज का दिवस एक ऐसे अविस्मरणीय दिवस के रूप में होता है हर व्यक्ति के जीवन के अंदर। व्यक्ति जब पैदा होता है तब से लगा करके वह कहीं ना कहीं किसी न किसी के मार्गदर्शन में ही जीता है और अपनी माँ से लगाकर, अपने पूज्य पिताजी से लगाकर वह व्यक्ति निरंतर अपने आयामों को छूता है। लेकिन उसके बीच में एक ऐसा माध्यम आता है, वो माध्यम ये सिखाता है कि व्यक्ति किस प्रकार से अपने जीवन को जिएगा, किस प्रकार से वह नियति के साथ में अपने जीवन को चलाएगा। ये तमाम बातें एक शिक्षा गुरु ही दे सकता है और वो सभी हम सभी जहाँ विद्यालय में पढ़े हैं आपको कहीं ना कहीं उन गुरु से प्रेरणा मिली होगी, क्योंकि हजारों शिक्षक हमको पढ़ाते हैं, सैकड़ों शिक्षक हमको पढ़ाए होंगे, लेकिन कुछ शिक्षक हमारे हृदय के अंदर बैठ जाते हैं जिनको आज भी हम, जब भी कोई स्मरण आता है, जब भी कोई बात आती है, जब भी कहीं ना कहीं ऐसी बात होती है, उस समय हम उन गुरु को जरूर याद करते हैं जिन गुरुओं ने हमें एक अच्छी राह दिखाई। तो आज वही उन गुरुओं का ही ये सम्मान समारोह है जिन्होंने सदैव कहीं ना कहीं प्रेरक के रूप में हम सभी का मार्गदर्शन किया है। मैं तमाम वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटिशह वंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं और माँ भारती के और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनके जन्म दिवस को ही हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं अनुरोध करना चाहूँगा आज के समारोह की अध्यक्ष महोदया आदरणीय ललिता जी शाह, हमारे वाइस चेयरमैन आदरणीय मुकेश जी और तमाम शिक्षाविद जो यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, अध्यक्ष महोदय के साथ में पधारें और दीप प्रज्वलन के साथ में आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ सभी दीप प्रज्वलन के लिए आगे पधारें, हमारे अध्यक्ष महोदय भी पधारें। हमारे बीच में डॉक्टर भैरव सिंह जी गुर्जर शिक्षाविद के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा आप भी कृपया पधार करके स्थान ग्रहण करें। माँ शारदे को वंदन करते हुए दीप प्रज्वलन के साथ में हमारे अतिथियों के माध्यम से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति वीर देवी ही सदा वंदिता। सामाम पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यां पहाम, शुक्लम ब्रह्म विचार सार परमा अद्यान जगत व्यापिनीम, वीणा पुस्तक धारिणीम भेदाम जाड्यांत गपार्यामहाम, हस्ते स्फाटिक कमालिका विदधति पद्मासने संस्थिताम, वंदे त्वाम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाम शारदाम। पूरी सरस्वती मात की जय। हमारे बीच में समाज से भी सम्मानीय रामकिशोर जी गोयल भी पधारे हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। मरकर मिली है चांद रेखा के वतन मुझे, और मिट्टी ने इसे फालना की दिया है ये फन मुझे, भारत की गर्दे राह है मुश्के खुदन मुझे, और जन्नत से भी अजीज है ये फालना की माटी मुझे। मित्रों इसको मैंने कभी भूला नहीं है, इन लोगों के उपकारों को मैंने मेरे जीवन में भूला नहीं है, उपकार छोटा हो या बड़ा हो। सुर बनाने के लिए साज बनाता हूं और घायल परिंदों को मैं बाज बनाता हूं। चुपचाप सुनता हूं शिकायतें जमाने की, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें जमाने की, फिर दुनिया बदलने के लिए एक नई आवाज बनाता हूं, नई आवाज बनाता हूं। और बनाए होंगे समुंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं। बनाए होंगे माल और जर महल और बुर्ज हो खलीफा तुमने, लेकिन मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूं, कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूं। ये शिक्षक है और आज मेरी आत्मा इसलिए प्रसन्न है कि आज मेरे शहर की बुद्धि बैठी है, सभी बुद्ध पुरुष मेरे सामने बैठे हुए हैं। जिस लेवल की ऑडियंस है
उस लेवल से अगर कोई आदमी काम करेगा तो उसकी जीत है इन रेस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि डिफरेंट डिग्रीटीज है, डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर है, डिफरेंट ऑडियंस है, डिफरेंट एनवायरमेंट है, और इन सारी चीजों को लेकर के जो आदमी अपनी बात कहेगा वही यहां से जीत के जाने वाला है। ऐसी सभा है, ऐसे विद्वान सभा को मैं एक बार फिर आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जिस समाज में शिक्षक का सम्मान कभी नहीं होता है, जिस समाज में शिक्षक का सम्मान कभी नहीं होता है, चाहे उसमें कुछ भी हो पर ज्ञान कभी नहीं होता है। शिक्षक वो माली है, शिक्षक वो माली है जो बगिया में गंद लुटाता है और मिट्टी पानी श्रम से जो बीजों में सुमन खिलाता है। दीप शिखा को स्नेह दान दे, उनमें ज्योति जगाता है और अंधियारों के लिए जतन से नन्हे सूर्य उगाता है, नन्हे सूर्य उगाता है। साहब शिक्षक क्या है? अपने आप को पहचानने की बात है। गुरु का दान दूध है, मां का उसे न पैसों से तोलो। गुरु का दान दूध है, मां का उसे न बाटों से तोलो। गुरु की आन दुआ है, उसके लिए कुटिलता मत खोलो। गुरु का ज्ञान निशा में जैसे विमल सुधाकर का उगना, और गुरु का मान लीक लक्ष्मण की उसका लंघन मत करना। क्योंकि गुरु से बढ़कर कोई भी देवालय भी नहीं होता है, और फिर भी इस वैरागी को अभिमान कभी नहीं होता है, अभिमान कभी नहीं। उन्नत कल के लिए आज पर जो सर्वस्व लुटाता है, उन्नत कल के लिए आज पर जो सर्वस्व लुटाता है और नई पौध को विष दंतों से जो हर आन बचाता है, उसके आश्रम में यदि तुम उसके आश्रम में यदि तुम सत्ता का बल दिखलाओगे तो नरभक्षी संस्कृति का तुम शिलान्यास कर जाओगे, शिलान्यास कर जाओगे। क्योंकि नरभक्षी का कभी कोई ईमान कभी नहीं होता है, चाहे उसमें कुछ भी हो पर ज्ञान कभी नहीं होता है। इसलिए मास्टर ऑफ सेरेमनी ओम आचार्य का यह निवेदन कि गुरु आंख बंद करके भी सब देख सकता है, वो तमाशा ही नहीं है, मगर हमारा हर तमाशा देख सकता है। तुम दरवाजे खिड़कियां बंद कर भी डालो तो क्या होगा, ये तो सूरज है जिसे सारा जहां देख सकता। गुरु बिन कोई देव नहीं है, नहीं चिंतामणि रत्न रहे। गुरु बिन कोई देव नहीं है, नहीं चिंतामणि रत्न रहे। काम धेनु नहीं, कल्प वृक्ष नहीं, गुरु बिन नहीं अस्तित्व रहे। और गुरु में सब पद श्रेष्ठ है, लोगों गुरु पद में भगवान है। रिटायर्ड होने के बाद भी एक अध्यापक की समाज में वही इज्जत होती है जब वो नौकरी में था। ये शिक्षक का स्वरूप है। मेरे जो है चेहरे के भावों से आप पता लगा रहे होंगे कि मैं आज कितना अभिभूत हूं। आप सब मेरे मार्गदर्शक है, जहां से जीवन बना है तब ओम आचार्य यहां तक पहुंच पाया है। नहीं तो क्षमा की मानिंद ताबिंदा रहे, और बहुत सताया लोगों ने फिर भी हम जिंदा रहे, और भीख भी मांगी तो इस शान खुददारी के साथ कि देने वाला भी सदा हम पर ही फिदा रहे, ऐसा व्यवहार जी करके। और मैंने मेरी जन्मभूमि की मर्यादा को रखा है। ये वरिष्ठ नागरिक समिति ने इतना बड़ा आयोजन किया है, सारे सीनियर सिटीजन है, पानी का गिलास उठाने की हिम्मत नहीं होती, कई तो ऐसे लोग हैं, लेकिन इनसे हमें ये सीख मिलती है कि ऐ लोगों, आयोजन के अनुभव से कुछ बनना सीखो, आयोजन के अनुभव से कुछ बनना सीखो, औरों का बनने से पहले अपने बुजुर्गों का बनना सीखो,
उजालों की परिभाषा तो मिलेगी किताबों में, उसे जानने के लिए ये वरिष्ठ सेवा समिति के कार्यकर्ताओं के तरह दीपक की तरह जलना सीखो। तब ये प्रकाश हुआ है। इन विद्वानों में से किसी एक को भी हम घर पे नहीं बुला सकते हैं साहब, क्योंकि सबकी अपनी गरिमा है, सबका अपना व्यक्तित्व है, सबकी अपनी पर्सनैलिटी है। और टुडे सारी की सारी डायनेमिक पर्सनैलिटी यहाँ पर बैठी हुई है। पुनः नमन करता हूँ और आपका आशीर्वाद मिला मेरा गौरव है। आज 5 सितंबर जो हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती उनके जन्म दिवस के रूप में हम मनाते हैं, वास्तव में राधाकृष्णन जी ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करके उन्होंने अपने जीवन में उसको उतारा और उन्होंने पाया कि वास्तव में शिक्षक ही एक ऐसा है जो देश में भावी पीढ़ी का निर्माण कर सकता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षक का सम्मान करना एक बहुत बड़ी बात है। आप देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षक जुड़े हुए हैं, आज उनको विविध कार्य करने पड़ते हैं, उसके बाद भी उनको अपना परीक्षा परिणाम भी देना पड़ता है। आज सरकार हर कार्य शिक्षकों से करवाती, बच्चों को संस्कार देने का काम, बच्चों के शैक्षिक उन्नयन का काम और सरकार की हर योजनाओं को पूरा करने का काम भी शिक्षक करते हैं। इस पेचीदे जमाने के अंदर आपने देखा होगा कि शिक्षकों को सम्मान करने की प्रक्रिया भी बदल दी है। पहले तो शिक्षा अधिकारी जो है स्वयं नाम भेजते थे, लेकिन आज शिक्षकों से आवेदन मांगा जाता है। उनकी शैक्षिक, उनकी सशैक्षिक और उनकी भौतिक दृष्टि के आधार पर उनका चयन किया जाता है। मैं वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति फालना को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि एक शानदार शिक्षकों के सम्मान में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि पाली जिले की वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति, आज 27 समितियां हैं पाली के अंदर, पूरे भारत में भी किसी एक जिले के अंदर इतनी नहीं है। और भारत के अंदर प्रथम नाम अगर आता है तो वो पाली जिले का आता है। मैं गोयल साहब से ये निवेदन करना चाहूंगा कि वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति वरिष्ठ जनों के लिए, उनके स्वास्थ्य से संबंधित, उनके परिवार में आने वाली समस्याओं के लिए जो है वो कार्य कर रही है, उसमें आप भी वृद्ध जन है, विशिष्ट जन है। हम सरकार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मांग के लिए लड़ रहे हैं। हमारे रेलवे मंत्री जो है हमारे पाली जिले के हैं, मैं गोयल साहब से निवेदन करूंगा कि रेलवे में जो छूट कोरोना के पहले हमें मिलती थी वो छूट अभी हमें नहीं मिल रही है। कृपया, हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप भी एक अच्छे, आपकी पहुँच दिल्ली तक है, तो निश्चित रूप से एक पत्र आपके माध्यम से रेलवे मंत्री जी को लिखा जाए ताकि वरिष्ठ जन को रेलवे में जो छूट मिलनी चाहिए वो छूट मिले। मैं एक बार पुनः बाली वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति की ओर से भी आपका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं और आप सभी के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। जय हिंद, जय भारत। जैसे कुमार मटका बनाता है जिसके ऊपर गढ़ा लगता है, उसके हाथ से थपथपाता है और अंदर से उनको दुलारता भी, शिक्षक भी उसी तरह उस घड़े को थपथपाता है और इस बच्चे को प्यार से और कृत्रिम क्रोध करके बच्चे को इस स्तर पर पहुंचाते कि अपने चरित्र का निर्माण कर सके, ये कर सके। बड़ा है। और शिक्षक जब निर्माण की बात करता है, शिक्षक जब संवर्धन की बात करता है, तब ये मान करके चलना कि राष्ट्र प्रगति के पथ पर चलेगा। आज के समय के अंदर बहुत सारी बातें करते हैं, मैं भी शिक्षक हूं, और व्यक्ति के निर्माण से लेकर आज तक जो राष्ट्र निर्माण की बात है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक करता है, इसलिए हमें शिक्षक होने पर बड़ा गर्व है। बिल्कुल, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि थोड़ा माहौल अड़ब है ये, और मेरी भी इच्छा है क्योंकि मने खूब शायरी आवे, 150-200 शायरियों मन याद है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है और समय की मर्यादा के साथ में चलता है वो सदैव पूजा जाता है, और समय को ठोकर मारता है, समय उसको ठोकर मार देता है। पर अनेकों ऐसे महानुभाव विराजमान हैं जिनका रिजल्ट मैंने देखा है और वो बड़े गर्व के साथ में सीना चौड़ा करके घूमते हैं कि मेरी औलाद सक्सेसफुल है, एंड आई प्राउड ऑफ माई सन एंड माई डॉटर। ये वर्ड्स निकलते हैं और वो तभी निकलते हैं
जब किसी भी सेवा के अंदर हो, व्यक्ति पूरी ईमानदारी से 100% ईमानदारी से काम करता है तो उसके साथ प्रारब्ध भी जुड़ता है, उसके साथ वर्तमान भी जुड़ता है और उसके साथ में पूर्व जन्मों के कर्मों के साथ में, माता पिता की दुआओं के साथ में उनके वो जो कर्म है, जो आने वाले कर्म है, वो भी उसके साथ जुड़ जाते हैं, तब जाकर के अपनी औलाद स्वतः निकल जाती। श्री पंकज जी दयावान, जो दुखाया आपका मन जान में अनजान में, या कहे हो दुर्वचन भी भूल कर अभिमान में, तो वीर का भूषण क्षमा है वो हमें भी दीजिए, और मैल मन का धुल सके वो स्नेह वृष्टि कीजिए।